बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 11th के 17th लेक्चर में। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन के 17th लेक्चर में जो बातें होने वाली है वो बातें होने वाली सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन के आज हम तीसरे लेक्चर पे है, लास्ट वाला लेक्चर जाकर के फटाफट से देख लीजिएगा ताकि चीजें आपकी आसानी से आगे क्लियर हो सके। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। देखिए अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। हमें पता है कि जब कोई पिंड वृत्ति गति करती है, वृत्ति गति एक समान वृत्ति गति में भी हो तो भी उसके प्रत्येक बिंदुओं पर वेग की दिशा बदलती है। वेग अलग अलग होता है इसीलिए क्योंकि उसकी दिशा हर बार स्पर्श रेखीय दिशा में कभी अलग कभी अलग होती है, जिसके वजह से होता यह है कि अलग अलग दिशा होने के कारण इसके वेग में हर पल हम कह सकते हैं परिवर्तन होता है। अब वेग में होने वाला यही परिवर्तन इसको त्वरण देता है, क्योंकि ये गतियां जो है वो फिक्स पॉइंट के रिगार्डिंग हो रही है, निश्चित बिंदुओं के सापेक्ष हो रही है, इसीलिए जो केंद्र पर एक त्वरण कार्य करने लगता है। और जो केंद्र पर त्वरण कार्य करेगा उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। फिर से आइए डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे कि एक वृत्ति गति हो रही है जहां पर एक कण जो है वो फिलहाल के लिए इस बिंदु O के सापेक्ष गति कर रहा है। फिलहाल के लिए ये यहां पर इस समय है और इस समय इसकी गति जो है वो आगे की ओर है, लेकिन इसका जो वेग की दिशा होगी वो कुछ इधर स्पर्श रेखीय दिशा में V1 नाम दे दी जाएगी। ये यहां से कुछ क्षण बाद यहां पहुंचता है और इस समय इसके वेग की जो दिशा होती है वो बदल चुकी होती है और इस समय भी है स्पर्श रेखीय लेकिन दिशा जो है वो थोड़ी दूसरी देखने को मिली, इसलिए क्योंकि हर पल इसके वेग की दिशा बदलती है भले वो एक समान वृत्ति गति हो। तो एक समान वृत्ति गति में आपने देखा कि यहाँ V1 है यहाँ V2 ठीक। ये सारी चीजें आपको कहां के सापेक्ष देखने को मिल रही है, मूल बिंदु के सापेक्ष। मान लेते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो आपका जो है रेडियस यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे आप आर्क दिखा सकते हैं ठीक। यहाँ से यहाँ जाने पर इसका कुछ एंगल चेंज देखने को मिलता है, वो एंगल जो चेंज देखने को मिला है वो कुछ और नहीं डेल थीटा माना जा सकता है। इसी को सेम वेक्टर फॉर्म में अलग कर दिया जाए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इसको S1 नाम दे दीजिए, ये जो आप पोजिशन देख रहे हैं इसको S2 नाम दे दीजिए। तो एक काम करते हैं S1 और S2 के बीच में जो चेंज देखने को मिलता है उसका नाम दे दीजिए डेल S। अब एक काम और करें कि अगर हम S1 पोजीशन के वेक्टर फॉर्म को अलग कर लें, S1 पोजीशन के वेक्टर फॉर्म को जो कि किसके सापेक्ष बना हुआ है मूल बिंदु के सापेक्ष और किसको रिप्रेजेंट करता है वेग V1 को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं अगर मैं यहां पहुंचूं ठीक तो यहां से अगर मैं दूसरे वेक्टर फॉर्म को अलग कर लूं इसको और ये किसको रिप्रेजेंट करता है V2 को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों वेक्टर को हमने ज्वाइन कर लिया कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ऐसे ज्वाइन किया जा सकता है ताकि हम इसका क्या निकाल सके एडिशन या सब्सट्रैक्शन निकाल सके। तो ऐसे ऐड कर लिया गया पहला वाला V1 की और दूसरा V2 की दिशा ठीक, और ये इसका परिमाण होता है दोनों सेम होगा। अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि दोनों टेल टेल अरेंजमेंट में है, तो अगर मैं यहां से यहां जाने पर इस वेग की दिशा परिवर्तन के कारण कितना अंतर देखने को मिला, कितना अंतर उसे कैसे निकालूंगा, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो दोनों के एंड यहां पे जहां देख रहे हैं एंड के तो एक दूसरे के कनेक्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरे एंड के सेक्शन के बीच में हमें इनका अंतर देखने को मिलेगा और उस सेक्शन पर ये जो अंतर हम दिखाएंगे वो लिखेंगे डेल बी, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो इनका जो अंतर होगा वो डेल बी इन्हीं के अंतर को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है V1 और V2 के। और ये एक्चुअली डेल थीटा क्या बता रहा है कि इस पोजीशन के बीच में कितने कोणीय विस्थापन के लिए ये वेग में परिवर्तन है ओके। आइए तो पहले तो हम क्या कहेंगे, तो इतना तो जान लेंगे कि माना कोई पिंड बिंदु O के सापेक्ष एक समान वृत्तीय गति
एक समान वृत्ति गति करता है। ध्यान दीजिएगा ये बिंदु O के साथ एक समान वृत्ति गति कर रहा है, जिसके हर बिंदुओं पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष प्रत्येक बिंदुओं पर जो वेग में परिवर्तन देखने को मिलती है, उस वेग में परिवर्तन के कारण केंद्र पर एक त्वरण कार्य करता है और इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यह अभिकेंद्र त्वरण इस वृत्तीय पथ को बनाए रखने का काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये वेग में परिवर्तन है तो त्वरण तो काम करेगा, और इसको ये कौन लगने के लिए मजबूर करता है, तो ये कोई और नहीं केंद्र है, तो केंद्र है इसलिए अभिकेंद्र त्वरण कार्य कर रहा है। तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा कहां होगी, केंद्र की ओर होगी। तो एक समान वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर वेग में परिवर्तन के कारण केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण अथवा एक और नाम है इसका, क्योंकि ये सारे अभिकेंद्र त्वरण किससे होकर जा रहे हैं, तो सारे अभिकेंद्र त्वरण एक्चुअली त्रिज्या वाली लाइन से होकर केंद्र पर कार्य करते हैं, अतः इसे हम त्रिज्या त्वरण भी कहते हैं, अथवा त्रिज्या त्वरण भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट मतलब कि इसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करूं, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो कैसे, कहां वृत्तीय पथ पर त्रिज्य और विस्थापन के साथ वेग को अलग वेक्टर में दिखाया है आपको ये डायग्राम में, यहां पर ये पोजीशन को और पोजीशन वेक्टर को, और यहां पर ये वेग के सदिशों को मैंने एक ही डायग्राम से अलग अलग किया है। दोनों एक्चुअली एक ही चीजों से बने, मतलब एट द सेम टाइम डेल थीटा दोनों में सेम होगा, इसी से बनाया है मैंने। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों का वेक्टर पोजीशन भी एक ही से बना है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। तो त्रिभुज चित्र से त्रिभुज ओ एस वन एस टू तथा यहां पर एक नाम ले सकते हैं आप, यहां पर ओ डैश लिख सकते हैं, ठीक, और यहां पर आप फिलहाल के लिए कोई और नाम दे सकते हैं, यहां पे आप नाम दे सकते हैं पी डैश, यहां पे आप नाम दे सकते हैं क्यू, ठीक, त्रिभुज ओ डैश पी क्यू में क्या करेंगे, समरूप त्रिभुजों का नियम होता है कि कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसका ले लीजिए चाप और इसका ले लीजिए त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या ये हो गया, चाप ये हो गया त्रिज्या, थोड़ा अलग हो जाएगा, तो चाप बटे त्रिज्या में क्या लेंगे, चाप में आप इस वाले ट्राइंगल में ले सकते हैं एस वन एस टू, और यहां पर आप त्रिज्या में ले सकते हैं, या ये लीजिए या ये लीजिए, तो ये ले सकते हैं आप ओ एस वन, यहां पर ये हो गया इसका, इसमें आइए, इसमें एंगल के सामने ये चाप होगा, कोई भी एक ले लीजिए, दोनों का परिमाण तो सेम ही है, परिमाण सेम है क्योंकि एक समान वृत्ति गति है, तो चाप में आप ले सकते हैं पी क्यू, और त्रिज्या में आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप केवल परिमाण लेंगे, और परिमाण आप लिख सकते हैं वी, ठीक, वी वन वी टू क्या बताता है, वी वन आपकी दिशा अलग है इसीलिए लिखा गया था, परिमाण दोनों का सेम है इसलिए मैंने भी लिख दिया, और यहां पर ये OS1 एक्चुअली R है, ठीक, याद रखिए, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं डेल S अपॉन R, और यहां पे इसको लिख सकते हैं डेल V अपॉन V, तो डेल V क्या है, डेल V V1 और V2 के दिशा में परिवर्तन के कारण अंतर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़े और एक काम करते हैं, हम एक डेल S और डेल V को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर आपने लिख दिया वन अपॉन आर, और यहां पे डेल्टी से डिवाइड कर दिया, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वी, और यहां पर आप काम कर सकते हैं डेल वी अपॉन डेल्टी कर सकते हैं, ठीक,
समय के साथ दोनों चीजें परिवर्तित हो रही हैं, समय के साथ इसकी पोजीशन बदली, समय के साथ इसका वेग बदला, मतलब दोनों तरफ समय सेम ही है। तो हमने क्या किया, समय से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। एक काम करते हैं, इसको हम पहचान रहे हैं, ये कौन है, ये है वृत्तीय पथ पर विस्थापन, ठीक, और ये है वृत्तीय पथ पर वेग में परिवर्तन। विस्थापन बटे में समय को हम क्या कहते हैं, सिंस डेल एस बाई डेल टी को हम कहते हैं वेग, और यहां पर हम कह सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी को क्या, त्वरण, ठीक, त्वरण कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली, ये वाला समीकरण आप लिख पाएंगे 1/r साथ में क्या वी और इज इक्वल टू 1/v और साथ में आप लिख सकते हैं यहाँ पे a, तो यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा, v को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा v स्क्वायर बटे में r, v का v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे में r। तो ये फॉर्मूला आ गया a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ये है फॉर्मूला अभिकेंद्र त्वरण का। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली त्रिज्य त्वरण के कारण ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी लिखा जा सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। अभी केंद्र त्वरण ए लिखिए चाहे ए आर लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गतिमान है और इसके अंदर एक समान वेग है तो इसमें एक समान कोणीय वेग भी होगा। तो सिंस हमने एक फॉर्मूला कर देखा था v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां पे ये ओमेगा क्या है, जहां ओमेगा है आपका कोणीय वेग है, ओके, याद आ रहा है कोणीय वेग है, तो इसको आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हैं क्या, इसको ए आर इज इक्वल टू v को आप चेंज कर सकते हैं r ओमेगा से और नीचे r, एक r कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ये लीजिए, ये है ar इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मेट। ओमेगा इज इक्वल टू भी हम जानते हैं, जहां ओमेगा का फॉर्मूला होता था 2πn या फिर होता था 2π/T, ये दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे जरूरत पड़ने पे रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया त्रिज्य त्वरण का फॉर्मूला। ये तो तब की बात है जब हमारा जो कण है वो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, अगर ये असमान वृत्तीय गति करे तो क्या होगा। तो एक बात और ध्यान देने वाली है कि यदि पिंड असमान वृत्तीय गति करे, असमान वृत्तीय गति करे तब, असमान का मतलब यह हो जाता है कि यहां पर आपका जो वृत्त है वो असमान वृत्तीय गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कण का रेखीय वेग परिमाण वाइज बदल रहा है, मतलब यहां पर एक और त्वरण आ जाएगा जिसका नाम होगा स्पर्श रेखीय दिशा में एटी, और इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, और जिसके वजह से आपको पता ही है कि इसको जब आप घुमा रहे होगे तो ये असमान जरूर है, लेकिन अंदर की ओर इसे घुमाए रखने के लिए एक मिनिमम त्वरण की जरूरत पड़ती है, और उस मिनिमम त्वरण की जो जरूरत है उसके हम कहेंगे ए आर, जिसे हम कहेंगे त्रिज्य त्वरण। तो त्रिज्य त्वरण एक मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड है वो ए आर अंदर की ओर रहेगा, और यहां पर आप जो देख पा रहे हैं वो एटी, अभी आपने स्पर्श रेखीय दिशा में तेजी से या फिर कमी करने की कोशिश करी इसलिए त्वरण आ गया। तो ये दोनों त्वरण जो है वो अलग अलग दिशा में है, त्रिज्य त्वरण जो है वो केंद्र की ओर होता है, ठीक, और स्पर्श रेखीय त्वरण कहाँ है, स्पर्श रेखीय दिशा में। तो कोई भी स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो जो नया त्वरण मिलेगा वो ना एटी की दिशा में मिलेगा ना ए आर की दिशा में मिलेगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा, और ये है परिणामी त्वरण, ठीक। तो बात समझिएगा कि अगर कोई परिवर्ती
वेग से परिवर्तित परिमाण के चाल से चलता है, तो ऐसे केस में न एटी और न ही एआर बल्कि इनका जो परिणामी त्वरण होगा इन दोनों के बीच में ए के रूप में कार्य करेगा। तो आइए, यदि पिंड असमान वृत्तीय गति करे तब वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखीय त्वरण एटी तथा त्रिज त्वरण एआर के लंबवत परिणामी त्वरण ए कार्य करेगा, ठीक है। अतः परिणामी त्वरण होगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आगे का फैक्टर आपको पता ही है, ये होता है एटी ए आर कॉस 90 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको पता है कहां से लिया गया, ये वेक्टर के फॉर्मूले से लिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा से। यहां पे ये वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका ए की जो वैल्यू आएगी वो फाइनली आ जाएगी एटी का स्क्वायर प्लस एआर का स्क्वायर। ये हो गया आपका परिणामी त्वरण, जहां पे इसको आप पहचान ही रहे हैं, इसको स्पर्श रेखीय त्वरण और इसको रेडियल मतलब त्रिज्य त्वरण कहते हैं, ठीक। जहां अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए न्यूमेरिकल दिया गया, तो न्यूमेरिकल में आपको एटी की वैल्यू दी गई और एटी की वैल्यू नहीं भी दी गई तो एटी का चेंज दिया जाएगा कि इसका वेग इतने से इतना हो गया इतने टाइम में। तो 80 की अगर मान लीजिए वैल्यू दी है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर 80 मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण का मान निकालना हुआ तब आप कैसे निकालेंगे, तो वेग परिवर्तन की समय दर मतलब कितने मैग्नीट्यूड से इसका मान बदल रहा है ये 80 आ जाएगा। और अगर आपको AR की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो AR का जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बटे आर से। तो यहां पर आप चाहें तो 80 की वैल्यू इस तरीके से आप यहां पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर अगर निकालना होगा तो निकाल भी सकते हैं, और AR की वैल्यू इस तरीके से हम वी स्क्वायर अपन आर भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों हमारा परिणामी त्वरण, जब कोई कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर असमान गति से चल रहा हो, ऐसे केस में इसका हम त्वरण निकालेंगे और वह त्वरण जो है वो एक दूसरे त्वरण के मध्य होगा मतलब AR और AT के बीच में होगा, ठीक। तो बच्चों ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, आज के लिए हम लोगों ने बस इतना जाना कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होगी और असमान वृत्तीय गति हो रही होगी तो परिणामी त्वरण की दिशा कहाँ होगी, जो कि दोनों लंब के मध्य ही होगी, ठीक, केंद्र पर नहीं हो सकती। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्र बल के बारे में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए। जय हिंद।